गुड मॉर्निंग, इंस्पिरेशनल गुरुज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो अटकी हुई भर्तियां हैं, जिन पे केसेस चल रहे हैं और जिनकी कुछ तारीख अभी नेक्स्ट डेट में आने वाली थी। जैसे एक स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग एक केस था जो 1 जुलाई को सुना जाना था, उसी प्रकार कुछ अलग अलग डेट्स थी, जैसे 20 थी, 23 थी, 22 जुलाई थी, ये भी कुछ डेट्स थी। लेकिन एक बहुत बुरी खबर आ रही है आप सबके लिए, जो इंतज़ार कर रहे थे कि इन केसेस का निपटारा जल्दी हो और हमारा, क्योंकि इनकी वजह से कुछ की ज्वाइनिंग अटकी हुई है और कुछ केसेस कुछ रिजल्ट जो है हेल्ड पर रखे हुए हैं, तो ये सब सिचुएशन जल्द रिजोल्व होने की हम कामना कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी बुरी खबर आपके लिए, जो अभ्यर्थी इन केसेस की वजह से सफ़र हो रहे हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जी हाँ, अगर COVID-19 में आपके जून और जुलाई में कोई केसेस थे जिन पर सुनवाई होनी थी, तो अब वो हियरिंग जो है अगस्त तक डिफर कर दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डेफर्स हियरिंग ऑफ केसेस टिल अगस्त। जी हाँ, अगस्त तक अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में केसों की सुनवाई नहीं होगी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की ये आप तस्वीर देख रहे हैं, और नीचे लिखा है ऑल्दो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड द लॉकडाउन, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन उठा दिया है, एंड ओपन वेरियस एरिया एंड लिटिगेंट्स एंड द लॉयर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैव टू वेट एट लीस्ट फॉर 1 मोर मंथ टू रिज्यूम देयर नॉर्मल वर्किंग। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वकील्स को और जजेस को 1 महीने का इंतज़ार और करना पड़ेगा अपने सामान्य कार्य करने में। वाइल एक्सटेंडिंग द लॉकडाउन रिगार्डिंग हियरिंग ऑफ केसेज इन हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फ्राइडे डिसाइडेड टू डेफर द हियरिंग ऑफ ऑल द रूटीन केसेज टिल अगस्त। यानी कि लॉकडाउन के रिगार्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन था हाई कोर्ट का, उन्होंने निर्णय लिया है कि ये जो रूटीन केसेस हैं अगस्त तक इनको डेफर किया जाता है, इनको आगे बढ़ाया जाता है। कंसीडरिंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ COVID-19 पेंडेमिक इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड यूटी चंडीगढ़, एंड विद द व्यू ऑफ एंश्योर द सेफ्टी ऑफ जजेस, एडवोकेट एंड लिटिगेंट्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी हैज़ रिजॉल्व्ड दैट ऑल द केसेस ऑलरेडी फिक्स्ड लिस्टेड फ्रॉम July 29, 2020 टू July 31, 2020 शैल बी एडजर्न बाई द NIC, सेज द ऑर्डर पास्ड बाई हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो June 29, 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच में जितने भी केसेस हैं, अब वो अगस्त तक डेफर पर रहेंगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी। तो इस दौरान मैं आपको बता देता हूँ, HSSC से जुड़े तमाम केसेस, काफ़ी गिनती हैं उनकी जो जुलाई में सुने जाने थे, अब उनकी सुनवाई अगस्त में ही होगी। तो ये जो भर्तियां हैं वो और पीछे लटकती जाएंगी, और जो क्लर्क रिजल्ट था जिसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिया गया था भारत भूषण भारती द्वारा, शायद हो सकता है कि वो सच हो जाए और रिजल्ट जो है आपका सितंबर तक लटक जाए। हालांकि ये सब कयास हैं, लेकिन जो मेन खबर थी इस वीडियो में वो थी कि केसेस की सुनवाई जो है वो अब अगस्त से शुरू होगी, और इसके कारण जो ESP के केसेस थे और जो HSSC भी कुछ केसेस थे जिनकी जुलाई में सुनवाई होनी थी, अब वो अगस्त में ही होंगे। तो इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।